चुनाव यात्रा के दौरान प्राइम 80 न्यूज की टीम ने जाना जनता का रुझान। बहादुरगंज विधानसभा के टेढ़ा गांच प्रखंड अंतर्गत कई लोगों से बात कर चुनावी मुद्दों पर बात की, जिसमें लोगों ने अपनी राय बताई। आइए जानते हैं पूरे रुझान। मिनिस्टर आलम, क्या मांगे हैं इस बार, क्या मुद्दा है आप लोगों का चुनाव का, विधानसभा चुनाव का? हम चाहते हैं कि हमारा मांग है खास के कि टेढ़ागांच का विकास के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, जो कि बहुत सालों से नहीं हो रहा है। बहुत सालों से पूरा बिछड़ा हुआ है, कोई रोड घाट सही ढंग से नहीं बना हुआ है। टेढ़ागांच प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक मेन जो रास्ता है वो सालों से ऐसे खटारा पड़ा हुआ है। हाई स्कूल बिल्डिंग अधूरा है, जल मीनार अधूरा है, और देखा जाए तो जो झुनकी पुल है वहाँ पर बरसात में एक कमर पानी में पार होकर जाना पड़ता है। मतलब पूरा बिखरा हुआ है, चचरी का पूरा चारों तरफ से बिछड़ा हुआ है। लदावारी पुल सालों से वहाँ 20 साल से लगभग वहाँ ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये सारी परेशानियाँ हैं, खास के टेढ़ागांच प्रखंड में सौतला व्यवहार हो रहा है, जिससे हम मौजूदा विधायक से संतुष्ट नहीं हैं, बदलाव चाहते हैं हम। आपके नज़र में कौन अच्छा ऐसा प्रत्याशी है, उम्मीदवार है जो इस चीज़ का बदलाव कर सकता है? इस चीज़ का बदलाव तो कर सकता है। जहाँ तक कि ट्रैश की बात है तो हम इसके लिए लखनलाल पंडित को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र का हर कोई लोकल एरिया को हर कोई ये करता है, जीतने के बाद चाहे तौसीफ हो या अंजार नईम हो या कोई भी हो, लोकल क्षेत्रों को हर कोई अपना पहले देखता है, उसके बाद अदरवाइज में देखते हैं लेकिन स्लो देखते हैं। इसलिए हम ट्रैश के विकास के लिए, और ट्रैश में एक चांसेस भी है, बड़ी पार्टी का टिकट मिला है 74 साल के बाद, आज़ादी के बाद कि, और सिंगल कैंडिडेट मिला है ट्रैगाज में, निकल सकता है, पूरा चांसेस है ट्रैगाज के विकास के लिए। हम नहीं चाहते कोई धर्म का राजनीतिक हो या कोई एनआरसी या किसी का मुद्दा को लेकर इतना अच्छा मौका को छोड़ दे, क्योंकि ट्रैगाज में इतने सालों के बाद मिला, अगर ये भी अगर खो देते हैं तो दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं है, भूल जाए ट्रैगाज का कोई सपना होगा। पहले सिकटी विधानसभा का गुलामी करते रहे, वो अपने क्षेत्र का विकास किया ट्रैगाज को शायद करते रहे, और अभी बहादुरगंज से हो रहा है वही, लेकिन चाहते हैं कि एक बार ट्रैगाज से, ट्रैगाज की सरजमी से हो, जो कि ट्रैगाज की सारी परेशानियों को दूर कर सके, विकास हो सका है, हो सकता है, तो उसके लिए लखनलाल पंडित जी बहुत अच्छा है हमारे लिए। क्या आपको लग रहा है कि सीट निकल पाएंगे इस बार? निकलने का देखिए चांसेस तो पूरा है, क्योंकि बहादुरगंज विधानसभा में अगर देखा जाए तो बहादुरगंज प्रखंड के अंतर्गत और डिगल बैंक का मिलाकर कौल नदी के उस पार देखा जाए 25 पंचायत है, जिसमें से कैंडिडेट भी लगभग 8 है उधर, तो वोट उधर टुकड़ा टुकड़ी हो सकता है। ट्रैगाज प्रखंड में मात्र एक सिंगल लखनलाल पंडित जी है, जो कि NDS के प्रत्याशी है VIP के, निकलने का पूरा चांसेस है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर मुसलमान इसका रुझान देते हैं, मुसलमान साथ देते हैं, तो आराम से निकल सकता है। जबकि लखनलाल जी इस चीज़ का वादा कर चुके हैं कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, और मेरे बैकग्राउंड के बारे में आप मेरे पंचायत में जाकर देख चुके हैं, देख सकते हैं, 2 बार हमने इस पंचायत से मुखिया रह चुके हैं कि कितना हम क्या कर सकते हैं जनता के लिए, क्या किए हैं, और अभी भी जनता चाहते हैं, और पूरा चांसेस है निकलने का। नाम है आपका? भद्दू ऋषिदेव। कौन सा गांव है ये? हरियरपुर। नेपाल बगल में है? हाँ, नेपाल बगल में है, करीब करीब 100 किलोमीटर, 100 फीट दूरी है। 100 फीट दूरी में? हाँ, नेपाल। हाँ, 100 फीट दूरी। तो चुनाव नजदीक है, इस बार नेता लोग आते होंगे आपका गांव? हाँ, आते हैं, वोट मांगने आते हैं। आते हैं। क्या मुद्दा है आप लोगों का इस बार, क्या क्या कमी है? वही सब देखें, बाल बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है, घर द्वार नहीं है, जो दिया सरकार वो तो पहले से हम लोग को दलाली करके खा गया। सड़क घाट बना हुआ है? सड़क घाट बना हुआ है, ये सड़क घाट तो बना दिया है किसी हालत से, मगर हम लोग को कोई पढ़ने लिखने का कोई सुरक्षित नहीं है, पढ़ने लिखने का साधन नहीं है, नहीं है, कमी है इस चीज का। हाँ, जब बरसात सुधार नहीं पा रहे हैं हम लोग, बरसात वगैरह में परेशानी होती है बहुत, एकदम पानी आता है, एकदम पानी आता है, देखिए भाग के उधर जाकर रहना पड़ता है सूखा जगह। कोई देखने आते हैं ना लोग? वही जाते हैं, बराबर देखते हैं, कोई सुनवा नहीं होता हम लोग को, ये बॉर्डर छाव में कोई नहीं करता है। क्या मतलब किसको इस बार वोट कीजिएगा? आज देखिए टेढ़ागांच प्रखंड से, अब देखिए लखनलाल पंडित उठा है, हम लोग का हिंदू धर्म है, अभी जो दशरगोड़ा का इच्छा होगा वो करा किया जाएगा। वोट किसके नाम पर कीजिएगा, धर्म पे नाम पर की विकास के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर वोट कीजिएगा। हाँ, क्या विचार है, किसको वोट दीजिएगा इस बार? सबका वही विचार है, लखनलाल पंडित का, सबका वही विचार है, सबको वही विचार है, साल वही इरादा है कि सबको हम लोग को चाहे वो जो करे वो काम होना हो, आप लोग मेरी विकास है अपने क्षेत्र का, कभी उठी जगह। हाँ, चाहे जो करे वो। अब घर का आदमी है तो हम तो आज दूसरा जगह देखने जाएंगे।